इस आज के कार्यक्रम, आज की मुलाकात में मैं और विनय मिश्रा, विनय कुमार मिश्रा से श्री ठाकुर जी और हमारे साथ शशांक जी हैं। आज हम ई डिस्ट्रिक्ट सॉरी ई सर्विस प्रदान करेंगे। ई स्टेम सर्विस वेली भाइयों को ई सर्विस इच्छुक हैं इस सर्विस में करने के लिए, और जिनके पास प्रिंटर की उपलब्धता है, तो ऐसे सभी बीएलई ई स्टैम्प आईडी क्रिएट करने की और बाकी प्रोसेस करते हैं। उसी फ्लो को देखते हुए, क्योंकि ई स्टैम्प सर्विस ऐसे यूनिक सर्विस है, अगर आप सभी को ध्यान होगा तो हमारे पोर्टल पे इलेक्शन सर्विस आई थी जो कि किसी कारणवश आगे कंटिन्यू नहीं चल पाई, तो ई स्टैम्प सर्विस भी एक ऐसी सर्विस है जो किसी भी दूसरे चैनल पार्टनर्स के पास नहीं है। और ई स्टैम्प सर्विस लेने के लिए अगर आप वन टू वन जाते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा प्रक्रिया है और काफी कॉस्टली, और जबकि सीएससी बीएलई है, सीएससी बीएलई के माध्यम से बहुत आसानी से और बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आपको मिल जाता है। तो उसी सर्विस के बारे में मैं और शशांक आज इस प्लेटफॉर्म से, आपको मेरे साथ शशांक हैं, शशांक पूरे प्रोसेस फ्लो को बताएंगे कैसे आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपके पास प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर एक स्पेसिफिक प्रिंटर्स हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्रिंटर जो कि इस सर्विस में, ई स्टैम्प सर्विस में स्टॉक होल्डिंग तरफ से, विभाग की तरफ से कुछ स्पेसिफिक प्रिंटर्स के मॉडल्स को ही अलाउ किया गया है। तो वो प्रिंटर अगर आपके पास है तो आप आसानी से किस तरह से ई स्टैम्प सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद ई स्टैम्प सर्विस लेकर ज्यादा ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। तो उसी क्रम में मैं शशांक से अनुरोध करूंगा कि शशांक पूरा प्रोसेस शुरू से थोड़ा सा आप हमारे वेले भाइयों को बताओ, ताकि ये प्रिंटर को अरेंज करके, डॉक्यूमेंट अरेंज करके जिला स्तर पे जिला प्रबंधक और जिला प्रबंधक से संपर्क करके डॉक्यूमेंट्स को भेज सके। शशांक थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से जो बेसिक्स हमारे ई स्टैम्प सर्विसेज के हैं वो आपने समझाया, आपका धन्यवाद। और जैसा कि सर ने आपको, आप सभी को बताया कि ई स्टैम्प सर्विसेज जो हमारी लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में चालू हुई थी, इस क्रम में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है और कैसी ई स्टैम्प सर्विस आप अपने लिए अवेल कर सकते हैं और कौन कौन सी बातें और क्या प्रोसेस है, कितना वक्त लगता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस आज की मुलाकात के माध्यम से। तो मैं आपकी स्क्रीन पे, आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए, फ्लो चार्ट आपको शो कर रहा हूँ कि ई स्टैम्प सर्विसेज में कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है और क्या समय प्रक्रिया है, कितना समय लगता है और क्या क्या चीजों का आपको अपने ई स्टैम्प सर्विस लेते समय आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो वीएलई की सीसीआईडी होनी चाहिए वो कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए और वो लगातार ट्रांजेक्टिव होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन डेटा हम ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग फेच कर सकते हैं अपने सर्वर से कि आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपकी सीसीआईडी कितनी पुरानी है। उसी के बाद जो आपके जिला स्तर पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और जिला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, जैसे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपका आधार पैन और एक शपथ पत्र होता है जो आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पे नोटरी करा के हम डीएम को प्रोवाइड कराना होता है। एक स्टॉक होल्डिंग का एसीसी फॉर्म होता है जो आपके आईडी क्रिएशन के लिए काम आता है, जिसमें आप अपनी फोटो पेस्ट करते हैं, अपनी बेसिक डिटेल्स जो होती हैं वो उसके अंदर लिखते हैं। फिर आपका एक डीएमडीसी डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगती है, सेंटर की इनसाइड आउटसाइड फोटो लगती है, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक जिसमें एड्रेस लिखा हो वो फर्स्ट पेज आपका लगता है बैंक का, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी होते हैं वो आपके लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो तो, और जितने भी आपके, और एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आपका करंट में आपके घर का नहीं है, आप जहाँ सेंटर ऑपरेट कर रहे हो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब जितने भी दस्तावेज मांगे गए हैं वो आपके सेंटर से संबंधित मांगे गए हैं। तो आधार को छोड़ के जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स आप दोगे, जिसमें आपका एड्रेस का शो डिस्प्ले हो रहा है और आपके पासबुक को छोड़ के, तो वो सब आपका सेंटर का चाहिए हो। जैसे बेसिकली तो मेन जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके सेंटर का चाहिए होता है। कई सारे वीएलई से गलती से हमें अपने घर का देते, तो आपके घर की आवश्यकता की नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, वो आप शॉप का होना चाहिए, चाहे ओनर कोई भी हो, चाहे आपका किसी पर आपने रेंट ले रखा है या खुद पे है पट्टे पे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करने की कोशिश करिएगा।
और इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत सारे लोग वो लंबी सी जो पर्ची आती है वो ना देखे, जो UPPCL की वेबसाइट से जो निकलता है पूरा A4 साइज का बिलिंग वो दीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे DMDC सेंस द बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। DMDC जो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स साइन और ऑथोराइजेशन करने के बाद हमें स्टेट ऑफिस में भेजते हैं, लखनऊ हेड ऑफिस में। और ध्यान रखिएगा कोई भी बिली आप जो ये आज ये संस्करण सुनने हैं आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, आपके डॉक्यूमेंट जो आएंगे DMDC जो हमारे जिला स्तर पे हैं वही भेजेंगे, आपको डायरेक्ट भेजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें उनकी ऑथराइजेशन और सिग्नेचर करना जरूरी होता है। इसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो स्टेट ऑफिस उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, उनके जो भी वेरिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं स्टेट ऑफिस के वो अपने स्तर पर चेक करके आपकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, नाम, पता, CC ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, उनकी एक एक्सेल बनाई जाती है। फिर इन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग चेक करने के बाद एक स्टॉक होल्डिंग कंपनी होती है जो कि विभाग से जुड़ी होती है, वही हमारा सारा काम इस टाइम पर देखती है। वो डॉक्यूमेंट्स स्टॉक होल्डिंग कंपनी को भेजे जाते हैं, वो अपने स्तर पे ये जांच बैठाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, मेल ID बकायदा सही लिखी है, नाम सही है, फोटो सही है, सिग्नेचर, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो स्टॉक होल्डिंग विभाग यानी कि IG एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, उनका दस्तावेज अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट आगे भेजे जाते हैं। अप्रूवल में लगभग महीने से 2 महीने का वक्त लगता है, जब ये अप्रूवल मिल जाता है स्टॉक होल्डिंग हमें CSE स्टेट ऑफिस को बताता है। स्टेट ऑफिस में जब ये एप्लीकेशन हमें कंफर्म हो जाती है कि अप्रूवल आ गया है डिपार्टमेंट से 1-2 महीने बाद डॉक्यूमेंट भेजने के बाद, तो CSE स्टेट ऑफिस फिर से एक शीट बनाता है अलग से मैक्रो नाम से, उसके शीट तैयार होने के बाद उस रिवाइज शीट को वो स्टॉक होल्डिंग को भेजता है और वो क्रॉस चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है आपके फॉर्म में जो डिटेल दी थी और एक्सेल में जो डिटेल उनके पास पहुंची है वो आपस में मेल खा रही नहीं खा रही। जैसी वो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं एकदम 100% सही हो जाती हैं उसके बाद वो आपकी 4 से 7 दिन के अंदर बैंक वर्किंग कार्य दिवस में आपकी मेल ID का वो ईस्टर्न की ID बन के आ जाती है। जैसे ही ID आपके पास बन के आती है CC स्टेट ऑफिस से आपके पास एक काउंटर मेल आती है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कॉम्प्लायंसेस या मैंडेट्स जो होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रजिस्टर बना कर रखना है, उसका क्या फॉर्मेट है और कौन सा बैनर इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये आपको दिया जाता है। तो जैसे ID बन जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि बिना भी जो भी BLE पहले से जुड़े हुए हैं जो इस टाइम पर काम कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, आप काम अपना जब भी शुरुआत करिएगा जब आपकी ट्रेनिंग हो जाए। ट्रेनिंग के लिए आपको अपने जिला प्रबंधक या जिला कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनको कॉन्टैक्ट करना होगा, वो आपकी स्टॉक होल्डिंग टीम मेंबर से आपकी ट्रेनिंग अरेंज करवाएंगे, वो फिजिकल भी हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी हो सकती है, और उस ट्रेनिंग लेने के तत्पश्चात ही आपको आगे का काम करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये रजिस्टर का फॉर्मेट है जो आपको ID बनने के बाद भेजा जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको रजिस्टर सारी एंट्रीज करनी है, स्टेशनरी नंबर कौन सा है, डेट कौन सी है जिसमें आपने किया, सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है, ये सब स्टैम्प में और उस कागज में लिखा हुआ आता है। स्टैम्प ड्यूटी पेड कितने का अमाउंट है, रिसीवर नेम क्या है जो कस्टमर को आप दे रहे हैं, मोबाइल नंबर क्या है, उनका सिग्नेचर, ये सब लोग है। बहुत सी आप भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप एक बहुत ही जटिल सर्विस है और ये यूनिक है हमारे पास, जो आप देखेंगे बाहर ही किसी चैनल पार्टनर के और किसी के पास नहीं है। तो इसकी जो प्रक्रिया है तो थोड़ी सी लंबी तो जरूर है लेकिन इसके साथ कॉम्प्लायंसेस बहुत हैं जो आपको बना के रखने ही होंगे। तो आप में से जो भी लोग भविष्य में जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं ये रजिस्टर जो मेंटेन करके रखें। इसके साथ एक स्लाइड में आपको दिखा था इस बैनर का, ये बैनर आपको भेजा जाएगा जो आपको प्रिंट करवा के रखना होगा अपने सेंटर पर जो बाहर लगाना है, और ये मिनिमम 3x6 के डायमेंशंस में बनेगा जो आपके सेंटर पर पेस्ट रहेगा। और इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, जैसा आपको दिया जा रहा है इसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर डाल अंकित करके अपना आप इसको प्रिंट करवा के अपने सेंटर पर लगा देंगे। इसी के साथ एक मोहर भी आपको बनवानी होती है, वो मोहर आपको अपने फॉर्मेट में आपको जब ID बन जाती है भविष्य में वो मोहर का भी फॉर्मेट आप
आपको दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा स्टैम्प सर्विस में आपको मोटा मोटा जब भी आप ये आईडी आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट और जितने भी आपके स्टैम्प सॉरी एक मिनट आपको एक मोहर का भी फॉर्मेट दिया जाएगा मिल के जरिए जो आप रबड़ मोहर पर बनवाएंगे वो लाल इंक में भी बनवा सकते हैं नीली इंक में भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको जितने भी सर्टिफिकेट आप प्रिंट करेंगे इस टाइम पे वो आप उसको मोहर अपने लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया तो सॉरी एक मोहर आपको फॉर्मेट दिया जाएगा जो आपको बनवानी पड़ेगी। उसके बाद जितने भी स्टैम्प का प्रिंट करते हैं उस पर वो लगा के आप कस्टमर को देंगे। रिसीविंग आपको जो लेनी है प्रीव्यू फॉर्म्स आपको निकालने पड़ेंगे। ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बकायदा बताया जाएगा इस चीज़ का जो ध्यान रखिएगा। और दूसरा आवेदन के लिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना पड़ेगा। अपनी हार्ड कॉपी वहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी। वो वेरिफिकेशन और ऑथराइजेशन के बाद स्टेट ऑफिस में भेजेंगे। आईडी बनने की पूरी प्रक्रिया में आपको 1 से 2.5 महीने लग सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आने में भी समय लगता है क्योंकि वो एक एक करके नहीं भेजते वो बंडल्स में आते हैं। और जैसे ही वो यहाँ पे स्टेट ऑफिस से वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद 1 से 2 महीना और लग जाता है। और आपको ध्यान रखिएगा कि आपको प्रिंटर भी आपको पहले से मतलब परचेज करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम में प्रिंटर हर प्रिंटर पे इस टाइम प्रिंट नहीं होता है। इसके लिमिटेड टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स ही होते हैं मार्केट में जो कि 10 से 11 प्रिंटर हैं। इसकी लिस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। आप उनसे पूछ सकते हैं। ई स्टोर पर भी हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमें डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ दिनेश भी ऐड हैं और मैं भी शशांक मंगल आपके साथ ऐड हूँ। आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं अगर आपका कोई इशू हो तो। आईडी बनने में थोड़ा सा इसमें समय लगता है तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। जो जो ऑलरेडी काम इसमें पेंडिंग अंडर प्रोसेस हैं आपकी आईडी जल्द से जल्द आके आपको सूचित कर दिया जाएगा। विनय सर आपसे रिक्वेस्ट है सर कुछ कंक्लूजिंग वर्ड्स आपको देने हो तो आप प्लीज। विनय सर किसी तकनीकी कारण की वजह से अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आपको जैसा कि मैंने समझाया कि इस टाइम सर्विस के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको संपर्क करना है और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप हमें भी कांटेक्ट करके या मेल करके पूछ सकते हैं तथा आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सारी जानकारी दी गई हुई है। आप उन्हें एक बार संपर्क करके जरूर इसके बारे में इस टाइम सर्विस के बारे में जाने और हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। धन्यवाद। तो आज की इस संस्करण को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।